समर्थन मूल्य पर धान बेचना महासमुंद जिले के किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। ग्रामीण सहकारी समिति बरोंडा बाजार में धान का वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाने पर चार किसानों का 229 क्विंटल धान प्रशासनिक अमले ने जब्त कर लिया। अब किसान पिछले 8 दिनों से धान छुड़वाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। धान खरीदी केंद्र के प्रभारी के कहने पर भी किसानों का धान नहीं छोड़ा जा रहा है। हमें खाना खाए जात हूँ कैसे दूसरा ला घर परोस के देखबे गए ऐसे कैसे मिल गए हूँ। तो उसी समय में आगे साहब मन है कहा कि ऐसे की टोका ला देख डरी चकाकर धानी ऐसे कैसा मोरे कैसे तो पर्चा उर्चे कहाँ है रेघा के कई दिस है पका ली जब्ती कर ली है। और मैं साहब के रहते हुए आ हूँ मन भाग गई एक झनहरी से ट्रैक्टर वाला है इसे वो बोरा लेबर तो उस समय में साहब मना कलेक्टर उत्तर अधिकारी सब तो वो मन कहा है ये वाला धान वाला खेत वाला ऐसे की बोली साहब टोकन ले ली ओकर बाद आज तक 8 दिन हो गए साहब एक हफ्ता डाउन कलेक्टर कर गए हैं और खाद अधिकारी कर गए फिर हो जाए उसे बोलते साहब आवाज परेशानी में पहरी में बैराल पुलिस लाइन के